नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज हम लोग देखने वाले हैं सीड टू हार्वेस्ट, जो हम मटर है ना, किस तरह से हम लोग उगा सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने कुछ सेव करके रखे थे पहले। ये 2 नवंबर को मैंने है ना इसकी मटर की बुआई की थी। इसमें बहुत दिनों से ही मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, पर पहले मेरे अच्छे से नहीं निकले थे बीज, इसलिए अनुकूल मौसम बहुत ज़रूरी है वातावरण इसके लिए, मटर उगाने के लिए। तो ये 2 नवंबर को मैंने इसमें 2x2 का मेरा ग्रो बैग है इसमें लगाए थे सॉरी। और है ना मिट्टी की अगर मैं इसकी बात करूँ ग्रीन पीस की, तो बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब आप तैयार करें तो थोड़ा सा है ना इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ जो भी आप मिलाते हैं वो मिला दें, ट्राइकोडर्मा मिला के, और मिट्टी तैयार कर लें बस, क्योंकि फंगस की प्रॉब्लम अक्सर होती है मटर में। तो ये भिगो के रख दिए थे मैंने थोड़ी देर, कुछ 6-8 घंटे भीगे हैं बस, इतना ही मेरे को है ना इंतज़ार होता है। सुबह भिगोए थे और शाम को मैं है ना लगभग अभी तो 3-4 बजे हैं, मैंने उस टाइम पे ही लगा दिए इनको। तो ये देखो आप मिट्टी में पानी डाल के तैयार रख लें पहले से ही, और ऐसे मतलब है ना 4-5 इंच के है ना अंतर पे इनको बोते जाएंगे हम। तो पहले मैं ये रो तैयार कर लेती हूँ इसमें। तो 2 नवंबर को मैंने ये लगाए हैं, वो मेरा अच्छा से निकला है मटर, उससे पहले का मेरा नहीं निकला। तो मौसम की बहुत ज़रूरत होती है इनको कि थोड़ा सा है ना सर्दी या का टाइम मिल जाए तो तभी है ना ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। बहुत तेज़ गर्मी मटर के पौधे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए इनकी मिट्टी को हमेशा हल्का सा नम बना के रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की तो ज़रूरत नहीं होती, पर बिल्कुल सूखनी भी नहीं चाहिए इनकी मिट्टी, क्योंकि मिट्टी सूखते ही फिर ये डाई बैक वाली पोजिशन में आ जाते हैं, धीरे धीरे पीले होने लग जाते हैं नीचे से पेड़। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखें आप इसकी, कि नमी बना के रखें हमेशा इसमें मटर के पौधों में। सर्दी की है फसल, उसके बाद भी बहुत ओवर वाटरिंग तो ना करें, पर नमी ज़रूर बना के रखें इसमें। तो इस तरह से देखो ये मैंने 1-1 इंच का जो है वो लगभग गड्ढा बनाती जा रही हूँ मैं, और इनमें बस अपने मटर के है ना दाने जो मैं डाल दूँगी। और बहुत साल पहले मुझे किसी ने सिखाया था कि मटर हमेशा जो है वो 2-2 या 3-3 बोने चाहिए एक साथ, तो अभी भी मैं इस चीज़ को फॉलो कर लेती हूँ। और मैंने देखा भी है, अगर आप इस तरह से बोते हैं तो वो जो पौधा आपका बनता है ना, कई बार बहुत लोग शिकायत करते हैं कि पेड़ हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं तैयार हुआ, हल्का सा है बिल्कुल या फिर पतला सा है, तो उसकी जो परेशानी है उससे छुटकारा मिल जाता है। अगर आप 2-3 बीज एक साथ डालते हैं तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सा है ना प्लांट है ना बनता है फिर एक उस पर ही, क्योंकि इनकी क्लाइंबर्स होती है एक तरह से ये मटर, और है ना इनकी बहुत ही नाजुक सी टहनी होती है, तो बहुत ज़्यादा दमदार नहीं होती, तो उनको सहारा मिल जाता है। मैंने देखा है फिर है ना जो सिंगल मैं मटर बोती हूँ उसका प्लांट, और जो मैं ये डबल करके बोती हूँ तो उनमें बहुत अंतर आता है, अच्छे मजबूत प्लांट निकलते हैं इस तरह से। तो ये मैंने ये लगा दिए सारे मटर अपने, और बस इनको बंद करके हल्का सा मैं वाटरिंग कर दूंगी इसके ऊपर। और 60 से 70 दिन में तैयार हो जाते हैं मटर को, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती तैयार होने में। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे 7 जनवरी को मैं ना ये वीडियो बना रही हूँ, आप ये देखिए 2 नवंबर को मैंने ये लगाए थे। तो नवंबर दिसंबर और ये देख लो आप 65 दिन हो गए मेरे को, और आज मैंने पहली हार्वेस्टिंग की है इनकी। मेरे है ना ये ग्रो बैग्स वगैरह में ये टी बैग पड़े दिख जाएंगे आपको, जब भी मैं ग्रीन टी वगैरह कुछ लेती थी तो उसका जो टी बैग होता है वो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ इसमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशन के लिए आप ध्यान रखेंगे तो कुछ फ़ायदे ही मिलते हैं प्लांट्स को, अच्छी आदतें हैं ये। तो बस इनको सबको बंद करके, और मैंने जैसा आपको कहा ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 8-10 दिन भी ले लेते हैं मटर निकलने में कई बार, तो विचलित ना हो निकल आएंगे। और कम भी जर्मिनेट होते हैं कई बार, ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं ना सितंबर से लगाने की कोशिश कर रही हूँ तो बहुत कम निकले उनके। अब ये मैं आखिरी मेरे पास बीज पड़े हुए हैं वो मैं डाल रही हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ मटर में जो है वो इसकी नेटिंग ज़रूर करें आप, क्योंकि छोटे पौधों को भी सुरक्षा ज़रूरी है चूहों से, गिलहरियों से, बर्ड्स से,
मटर का तो हर कोई ग्राहक होता है, और है ना बड़े होने के बाद भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत से ही ये देखिए पूरा है ना नेट वे इसको कवर कर देती हूँ, और अब इसी में ग्रो होके बढ़ते रहेंगे। और ये नेट इस तरह से लगाने से आपको पानी वानी देने में भी कोई प्रॉब्लम होती है शावर नहीं होती, शावर से आप आराम से डाल सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी गैप होता है। और इसको चारों तरफ से कवर करके बस मैं इसी तरह से तैयार करूँगी। तो ये देखो आज का दिन मैं आपको दिखा रही हूँ, 7 जनवरी को मैंने ये वीडियो बनाया है। देखो आप ये अभी तक भी ये नेट वे ही बढ़ रहे हैं मेरे, और कल मुझे ऐसा लगा कि एक साइड से थोड़ी जगह हुई है और गिलहरी अंदर घुस रही थी इसमें, तो मुझे लगा अब ये राइट टाइम है कि मटर को पहली हार्वेस्टिंग दे दी जाए। पहली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दो चार तो चलते फिरते खा जाते हैं हम, पर इकट्ठा जो तोड़ना होता है नहीं तो फिर गिलहरी कुछ भी नहीं छोड़ेगी। 65 दिन पूरे मेरे है ना इन पौधों को ग्रो होने में लगे हैं। और मटर में अगर है ना पानी तो मैंने बता ही दिया, फुल सन चाहिए होता है, सर्दी की वेजिटेबल है ऑब्वियसली, आप पूरी धूप में ही रखें। और बहुत ज़्यादा ओंडा इसके लिए पॉट चाहिए नहीं होता आपको, ये देखो 5-6 इंच वाले में भी ये लग जाएंगे आराम से, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो टैप जड़ें होती हैं, ऊपर ऊपर ही रहती हैं, मतलब ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती गहरी। और है ना सन तो फुल रखिए, पानी मैंने आपको बता ही दिया, नमी बना के रखिए। इसमें ज़्यादा बीमारी है मटर में ऐसे तो नहीं लगती, पर रूट रॉटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह भी कई बार लग जाता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। बस जब तक आपकी मटर ना बनने लगे तब तक आप नीम ऑयल वगैरह कुछ भी ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहेंगे तो। और रूट रॉटिंग के लिए और फंगस के लिए तो आप ये देखिए मिट्टी में शुरू में ट्राइकोडर्मा मिला देंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, या फिर है ना अच्छी स्ट्रॉन्ग अगर आपकी मिट्टी है तो वो जड़ें इतनी मजबूत होती हैं शुरू में ही कि वो फिर है ना रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। ओवर वाटरिंग ना करें, उससे बहुत ये समस्याएं हो जाती हैं। बिल्कुल कीचड़ जैसा ना रखें, बस नमी बना के रखें हमेशा, सूखने भी ना दें पर नमी हमेशा बना के रखें, तैयार करके रखें। और सहारा दे दें, क्लाइंबर्स होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ये तो मेरी तो नेट में जैसे नेट के सहारे से ही काफ़ी बढ़ गई है, पर फिर भी है ना इसीलिए मटर में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखते हैं क्योंकि एक दूसरे के सहारे से भी ऊपर चढ़ जाती हैं ये। अगर गिरा रहेगा ना आपका पौधा तो अच्छी है ना, उसमें फिर है ना पॉट्स नहीं बनेंगे। और फ्लावरिंग के बाद है ना लगभग 3 हफ्ते लग जाते हैं मटर को फूलने में, बढ़ने में, उसके दाने बनने में, तो और तोड़ते रहें रेगुलरली नहीं तो है ना फिर कम फ्लावर्स आने लग जाते हैं अगर आप छोड़ देंगे काफ़ी दिन के लिए उसी में। तो मेरे नेट में काफ़ी उलझ के है ना प्लांट्स बढ़ गए हैं ये नेट का सहारा लेके। और मटर में बस फन के लिए ही लगाती हूँ मैं, कभी भी नीचे सब्जी बनाने के लिए नहीं ले जाती हूँ, ऊपर ही खा पी के ख़त्म कर देते हैं हम लोग इनको। और आज मैं सुबह सुबह ऊपर आई हुई हूँ, बहुत ख़तरनाक मौसम चल रहे हैं हमारे यहाँ लगभग 1 हफ्ते से, आज भी बिल्कुल है ना फॉग भी उतरा हुआ है, बादल भी हैं और बहुत ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, पर मुझे ऊपर आए बिना बिल्कुल चैन नहीं आता। और कुछ लेके नहीं आई हूँ अभी तो मैं इनको रखने के लिए। बहुत ही मीठी, घर में जब अपन मटर लगाते हैं ना तो इतनी मीठी होती है बिल्कुल जैसे चीनी घोल के रखी हो किसी ने उनमें। और आज मेरे लिए तोड़ना, मैं थोड़ा दिन और शायद 1 हफ्ता रुक जाती पर तोड़ना ज़रूरी हो रहा है। कल मैंने एक गिलहरी को देख लिया है, मैंने कहा सारी खा जाएंगी तो वो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और मटर क्या है कंपेनियन गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप देखो आप कितना खतरनाक वाला मौसम रह रहा है आज, 1 हफ्ता हो गया हमारे यहाँ। कंपेनियन गार्डनिंग बीन्स के साथ करो आप, टमाटोज़ के साथ करो आप, फ्लावर उस प्लांट्स के साथ करो, बहुत आराम से हो जाती है। एक कोना चाहिए होता है बस, इसको मैंने बहुत सारे कोनों में टमाटर वाली जो प्लांट्स हैं उसमें मटर के कुछ पौधे लगाए हुए हैं, और क्योंकि वो खुले हैं इसमें इसलिए उनमें से कम ही मटर मिल पाती है मुझे। मटर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है एक तो, क्योंकि बिल्कुल पत्तियों के कलर की होती हैं तो बड़े ध्यान से है ना अगर आपने थोड़ा सा उगाया हुआ है जंगल तो। ये देखो आप बिल्कुल फ्रेश ताज़ा मटर जो कि यहीं पे नाश्ते में खा लूँगी मैं और मेरी भाभी दोनों को ही बस मटर खाने का शौक है, बच्चे हमारे यहाँ कम खाते हैं मटर। और एक ये मैंने देखो पुराने सूटकेस में भी है ना लगाया हुआ है, और इसमें कितने सारे फ्लावर्स के अलग से है ना स्वीट विलियम वगैरह के प्लांट निकले हुए हैं, पिटूनिया निकला हुआ है। नेट लगाने की वजह से ना इनकी सफाई नहीं हो पाती ज़्यादा,
अच्छे से। तो यहाँ पे अभी थोड़े छोटे हैं इनके सीड्स, मैंने देख लिया अंदर से दाने जो है, तो इनमें कुछ दिन लगेंगे अभी। ये बिल्कुल डॉली के पास है इसलिए नेट लगाना, मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको सिक्योरिटी ज़रूर दीजिए, नहीं तो मटर में मेहनत क्या, कई बहुत बार ऐसा होता है कि बेकार चली जाती है। जब बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें, एक तो अगर आप दो बीज एक साथ डालेंगे तो बहुत ठीक से अच्छे पौधे बढ़ेंगे, और खाद इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती मटर के प्लांट्स को खाद की, तो आप शुरुआत में मिट्टी तैयार करके और फिर कुछ वीक्स में है ना थोड़े सी वर्मी कंपोस्ट वगैरह इसमें डाल देंगे तो उससे भी काम चल जाता है इसका। हैवी फीडर नहीं होती मटर बिल्कुल। तो ये देखो तैयार हो गई है हमारी कुछ मटर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार।